और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो पिछली बार नहीं दिखा पाया था। यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये पत्थर सिर्फ रखे गए हैं, इनको जोड़ा नहीं गया। ये देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अभी हम रात को राइड कर रहे हैं और आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन हम पेंगोंग से सर्च आए थे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जयपुर सीकर मेन हाईवे के ऊपर और अभी चल जाएंगे कितने के 36 किलोमीटर है सीकर। एक बार मैं घर जा रहा था तो इस ढाबे के ऊपर रुका था और यहाँ से पहले मैं पीता था स्टिंग। मेरी कई राइड्स के अंदर देखा होगा कि ये मैं स्टिंग पीता था पहले, तो भाई वो बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है। स्टिंग जो आती है 20-20 रुपए में या कोई भी एनर्जी ड्रिंक आती है, मैं सबको बोलता हूँ जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनके बच्चे, आजकल बच्चों में ज़्यादा क्रेज़ है एनर्जी ड्रिंक पीने का, तो भाई सबको मैं मना करता हूँ एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कर दो। ये आ गया सीकर से पहले जो टोल प्लाजा आता है वो, और यहाँ पे लगी पड़ी है लंबी लंबी लाइनें, और ये हमारा बाइक का सुख कि हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना पड़ता और ना ही टैक्स देना पड़ता। तो फाइनली गाइस मिल चुके हैं अपने छोटे भाई से और लखन काफ़ी पतला हो चुका है। वैसे मिल लिए थे, कैमरा भी ऑन किया है अभी। हाँ मतलब काफ़ी देर होगी मिले को, तो 10 मिनट होगी। मैं क्या दिखा देते भाई, मेरा भाई कितना हैंडसम हो गया यार। काश मैं भी ऐसे पतला हो जाऊँ जल्दी जल्दी, जो कि हम हो नहीं रहे हैं। और लखन क्या किया भैया, हम दोनों भाई जा रहे हैं बाइक पे ऊपर हर्ष पर्वत, लखन यहाँ से ऑटो करेगा, उसके ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं और लखन ऑटो में बैठ के जाएगा, हम जाएंगे बाइक पे। ये क्या, ये छोटा है ना इसलिए ऑटो में लेके जाएंगे इसको। चलो इसके ऑटो के लिए वेट करते हैं, जैसे ऑटो आता है हम चले जाते हैं। सामने देखो कितना मस्त ऐसे लग रहा है और यहाँ पे साइड में फूल, हरियाली, आगे पहाड़, और भी हम पहाड़ के रास्ते ही आगे जाएंगे। भाई देखो क्या मतलब मस्त हरियाली हुरियोली लग रही है भाई, मस्त जगह लग रही है। तो अभी लखन की फ़ोन पे बात हुई मेरे से और वो ऊपर चला गया यहाँ से और हम अभी जाएंगे भाई, और यहाँ से रियल जो चढ़ाई है जो ऊपर हर्ष टेम्पल उधर के लिए है। तो गाइस यहाँ पे कोई भी आई उसको मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत होती है, अभी देखो एक हो रखी है, तो कृपया आप धीरे चलें भाई। मस्त पंखे पंखे चल रहे हैं, विंड मिल के पंखे एनर्जी जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भाई लखन के ऑटो ने उसको पीछे छोड़ दिया, वो आ रहा है पैदल और यहाँ से बम साथ जाएंगे। मतलब यहाँ से तो कितना 100 मीटर भी नहीं है, 100-150 मीटर, ये लास्ट पंखा है यहाँ पे है। अभी लखन चलता हुआ आ रहा है पैदल पैदल बेचारा। तो फाइनली लखन ऑटो पे आने के बाद किस पे आया, ऑटो पे आया किस पे आया था यहाँ से ऊपर किस पे आया, पिकअप पे। कैसा लगा? बढ़िया। तो फाइनली गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं, लखन मेरे को एक दिखा के ला रहा है फोटो क्लिक करने के लिए एक जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओ भाई ओ इधर आ, अच्छा जाइए नीचे भाई। आप नीचे का व्यू देखो कितना ज़्यादा बढ़िया आ रहा है और ऊपर से देख लो रोशनी कैसे आ रही है। ये है हर्षनाथ टेम्पल, यहाँ पे आ चुके हैं मतलब बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ पे 1000 रुपए का पेट्रोल जला के आएंगे आज जलेगा, तो उसमें कुछ सुख है या दुख है? बहुत सुख है भाई। तो गाइज यहाँ पे इतनी सारी पार्किंग है और भाई अच्छी सुविधा पार्किंग के लिए। तो अभी आगे की जो व्लॉगिंग है वो करेंगे लखन जी। हाँ भाई तो हर्ष आ गए हैं और जा रहे हैं बस। अंडरस्टैंड द व्लॉगर्स लाइफ भाई, वजह से उतारने में बड़ी परेशानी हो गया। अभी हम जा रहे हैं शिवजी के मंदिर के अंदर। यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये पत्थर सिर्फ रखे गए हैं, इनको जोड़ा नहीं गया। ये देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारे देख लो, उसको कहीं भी सीमेंट मिट्टी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं ये। ये
ये इधर नंदी जी के कान के अंदर अपनी विश मांग रहे हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा है आप पूरी कर दो। तो अभी आ चुके हैं भैरव जी के टेंपल के अंदर, यहाँ पे दोग लगाते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। अभी इधर एक बच्ची घूम चुकी है, उसकी लखन अभी हेल्प कर रहा है, अभी उसको छोड़ के आए उसके पेरेंट्स के पास। अच्छा लगा मेरे भाई ने, अच्छा काम किया। हाँ तो हर्ष घूम लिए हैं, ये भाई परेशान हो रहे हैं हमने के काम देख के, सिर के ऊपर ऐसे हेलमेट ले लिया इन्होंने, और बढ़िया लग रहा है। हर्षनाथ आगे ले। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो पिछली बार नहीं दिखा पाया था। ये जो पहाड़ी है ना, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे देखो ये पूरी जैसे ऐसे, पहले तो बहुत बड़ी और हाइट होती थी इनकी, ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक होती थी पहले, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो इनसे ऊपर हो गई। ये ऊपर से सोइल इरोजन वगैरह, आंधी हवा इनसे घस घस के छोटी होगी, बहुत पुरानी है ये। Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but I'm a. अभी तेल डलवाया थोड़ा, और अभी हम जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट जयपुर। थोड़ा सा लखन पहुंचा हुआ अपने कॉलेज, तो उसके कॉलेज के बाहर उससे मिलते हुए चलेंगे। फाइनली यहाँ पे गया कि अभी जस्ट लखन के हॉस्टल के पास, मतलब कॉलेज के पास, यहाँ पे एक हट टाइप के अंदर छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको, रोड साइड ढाबा है, उसके अंदर आया भाई। इधर भाई दिव्यांशु भैया, यहाँ पे लखन, यहाँ पे मैं, ये दोनों तो कम हैंडसम है, मैं ही हूँ हैंडसम। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे मेरा पनीर प्रॉन था, उसके साथ अचार, उसके साथ एक छाछ आ चुकी है, और ये भाई मैगी खाएगा, ये भाई कुछ खा ही नहीं रहा। सरप्राइज की बात ये है कि लखन कुछ भी नहीं खा रहा, और ये इतिहास में पहली बार है। वो पिकअप में खा गया है, पिकअप में खा गया है, मैं कुछ नहीं खा रहा। ये पिकअप में खा गया है। देखो इधर इस जगह पे आए थे, यहाँ पे हट वगैरह बनी हुई है ओल्ड स्टाइल के अंदर, और इनके अंदर जाके भी शायद हम बैठ सकते हैं, इसे भी बैठे हैं इनके अंदर भाई लोग और हम सब खा रहे कुल्फी। ये तो अभी 5 बज चुके हैं, और मैं, लखन और दिव्यांश भैया, हमने खाना खाया, अभी चल रहे हैं इधर कॉलेज की साइड। लखन को ड्रॉप कर देते हैं इतनी सी दूर, वरना वो पैदल जाएगा, और इसको ड्रॉप करके हम आगे सीधा चले जाएंगे जयपुर के लिए। आज हो सकता है हमारा थोड़ा रात में भी सफ़र रहे, तो मम्मी जी को बाय बोल दो। बाय मम्मी जी। मम्मी जी। पापा जी। पापा जी। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ठीक है। अभी लखन जा रहा है अपने कॉलेज के अंदर। अंदर वो जा, अंदर अंदर अंदर, उन्हें क्या काम है। अभी लखन को 60 रुपए प्लस एक टी शर्ट दे रहे हैं। पैसा ही पैसा हो गया। भाई के साथ जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो, कम ही लगता है। अभी मेरा मन हो रहा है कुछ देर और रुक जाते, लेट हो रहे हैं, वरना तो मन है कि थोड़ी देर करते करते बैठे रो रुके रहो। तो भाई अभी एक होटल के ऊपर आए हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, जो परांठे वगैरह खाए थे उससे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा घबराहट, उल्टी जैसा सा हो रहा है। अभी यहाँ पे रुक के कोल्ड ड्रिंक पी लिया भाई, इतनी तगड़े वाली तबीयत खराब हो जाना, मतलब तबीयत नहीं खराब हो रही, घबराहट होने लगी है इसे, और लास्ट 2 मिनट में अचानक से होने लगी है, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर पहले तक एकदम सही थे हम। टाइम हो गया शाम के 6:50, और 60 किलोमीटर जयपुर पड़ा अभी। अभी हम रात को राइड कर रहे हैं, और आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन हम पेंगोंग से सर्च आए थे, उस दिन हमने 12 घंटे से ज़्यादा बाइक राइड की थी, और रात को 10 बजे पहुँचे, तो वहाँ का जो रात का सीन था ना भाई, आज वो याद आ रहा है। लेकिन ये पहाड़ी एरिया तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे को फीलिंग वही आ रही है। टोल प्लाजा आ गया जयपुर वाला, और टाइम हो गया 7:30। ये अंकल ने कहाँ चढ़ा दिया, अरे अंकल गिर जाओगे यार। सरोवर मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ से सिर्फ बचा है 5 किलोमीटर अपना रूम। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम अपने प्लाजा के पास जस्ट, और अभी जाएंगे रूम के अंदर, और आज हमने 400 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक राइड की है। गिन्नी भाई ने अपने ले लिया लैपटॉप,
और भाई बहुत बहुत बधाई है इस वीडियो, इसको इंसान को बहुत सारी वीडियो में देखा, बहुत मस्त अपना भाई है, प्यारा भाई। कौन सा भाई दिखा दे ओपन करके भाई, ज़्यादा मार्केटिंग मत करो यार। भगवान वाली वीडियो जय हनुमान जय हनुमान, शुद्ध हो गया है।